गाइस हम इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के एक हॉस्पिटल में हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ़ द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी। तो अभी हम ये सारे बच्चे जो है हम इनको हॉस्पिटल दिखा रहे हैं एंड वी आर टेकिंग देम टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये है पैथोलॉजी लैब, आप देख सकते हैं ये पैथोलॉजी लैब है, तो हम इनको पैथोलॉजी लैब लेके जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। गाइस ये इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी का जो हम अभी हॉस्पिटल में है, तो हम आपको एक रूम दिखाते हैं यहाँ पे पेशेंट्स के लिए कौन सी रूम अवेलेबल है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट हॉस्पिटल इन तेहरान, तो आप देख सकते हैं। सो दीज आर द रूम्स अवेलेबल फॉर द डॉक्टर पेशेंट्स, और यहाँ पे जो पेशेंट्स के पास सारे इक्विपमेंट्स है, every facilities are here, so you can have a look of the facilities, the bed, the attached washroom, everything is over here. So ye bedding hai, aur yahan pe individual patients ko ya do patients ko treat kiya jata hai. आप लोग आइए आइए, कम अभी हम नैनोटॉलोजी डिपार्टमेंट में जाएंगे, नैनोटॉलोजी बच्चों के यहाँ। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। सो कम कम आप आइए, जल्दी जल्दी आइए, ये दरवाजा बंद हो जाए। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, वो जो क्रिटिकल होते हैं, उनको यहाँ एक तो होता है खाली नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वो क्रिटिकल होता है तो उसको यहाँ पे फिर ये लोग ट्रीट करते हैं। यस, ये नैनोटॉलोजी डिपार्टमेंट है, जब बच्चा पैदा होता है ना, अगर वो क्रिटिकल है तो उसको फिर यहाँ ट्रीट किया जाए, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी उसके लिए अलग वार्ड है, वो नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा अगर क्रिटिकल है उसको यहाँ बिठा के, ये जो होते हैं ना, ये लेजर होता है, ये बच्चे को लेजर ड्रॉप करता है, उसके बाद जो उसकी डिफिशियंसीज होते हैं ना उसको ऑटोमेटिकली पूरी होती है, उनको पता चलता है।